सोनी टीवी पर प्रसारित हो रहा शो एक दूजे के बाद से टू दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है, जो श्रवण मल्होत्रा और सुमन तिवारी की प्रेम कहानी है, जिसमें ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होने के बावजूद एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे हैं, जिसमें श्रवण कुमार के किरदार को खूबसूरती से पर्दे पर उतारने वाले अभिनेता है मोहित कुमार, जो अपने इस किरदार को निभाकर काफी पॉपुलर हो रहे हैं। लेकिन शो में सुमन तिवारी से प्यार करने वाले ये अभिनेता असल जिंदगी में किसी और से भी प्यार कर बैठे हैं और जल्द ही उनके साथ सात फेरे में बनने वाले हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कौन है वो खुशनसीब जिनसे इन्होंने शादी करने का फैसला किया है, तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको उसी खुशनसीब लड़की से रूबरू कराने वाले हैं। साथ ही अपने फेवरेट मोहित कुमार के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सोनी टीवी पर प्रसारित हो रहे शो एक दूजे के वास्ते टू में नजर आ रहे अभिनेता हैं मोहित कुमार, जिन्होंने कभी मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी और आज अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर टीवी जगत का जाना माना नाम बन चुके हैं। जिनके स्टाइलिश और चार्मिंग लुक की लड़कियां इतनी दीवानी हैं कि इनसे शादी करने के सपने देखती हैं। पर इन सभी लड़कियों के अरमानों पर पानी फेरते हुए मोहित कुमार तो किसी और से ही शादी करने जा रहे हैं, जिनको इन्होंने अपने जीवन साथी के रूप में चुना है और शादी करने का फैसला किया है वो कोई और नहीं बल्कि अदाया गुप्ता है। जी हाँ, यही वो खुशनसीब है जिनके साथ मोहित कुमार ने शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया है। बात करें अदाया गुप्ता के पेशे की, तो आपको बता दें ये पेशे से एक अभिनेत्री हैं, जो रागिनी MMS 2 में नजर आ चुकी हैं। इसी के साथ ये अभिनेत्री अपने सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं, जिसके चलते इनकी फैन फॉलोइंग लाखों में है। वहीं अगर बात करें इन दोनों की मुलाकात की, तो एक ही इंडस्ट्री में होने के चलते इन दोनों की मुलाकात हुई, जिसके बाद इनकी काफी अच्छी दोस्ती की शुरुआत हुई थी। जहां अपने एक्टिंग स्केड्यूल में बेहद बिजी होने के बावजूद मोहित कुमार इनसे मिलने जाते थे, जहां हाल ही में मोहित ने इनके साथ अपनी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसे देखकर सभी ने इन दोनों की काफी तारीफें की, जिसके बाद से ही इन दोनों के प्यार में होने की खबरें आ रही हैं। और अब काफी लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद इन दोनों ने अब शादी करने का फैसला किया है और जल्द ही हमें सात फेरे लेते हुए नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इन दोनों की ये जोड़ी कैसी लगती है और आप इन दोनों की शादी के लिए कितने एक्साइटेड हैं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम मसालेदार खबरों को जानने के लिए अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।